हेलो नमस्कार बृंदम, और चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों को लेकर 5 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। किसी का 3 महीने का, किसी का 4 महीने का। इसमें स्पष्ट गया है, कहा गया है कि 5 दिन के अंदर अतिथि शिक्षकों का भुगतान करेंगे, नहीं तो चेतावनी दी गई, मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक आंदोलन करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके संबंध में विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में बने हैं, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए 5 दिवस में मानदेय भुगतान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। 3 माह से नहीं मिला है वेतन। यदि 5 दिवस के अंदर अतिथि शिक्षकों का मानदेय का भुगतान नहीं होता है तो पन्ना जिले के समस्त अतिथि शिक्षक एकजुट होकर जिले मुख्यालय पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की होगी। नियमित शिक्षकों की वेतन 1 तारीख को मिलता है, लेकिन अतिथि शिक्षकों की सुल देने वाला कोई नहीं है। उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से मानदेय की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक संघ के जिला इकाई पन्ना में जिला अध्यक्ष जितेंद्र गर्ग के प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अतिथि शिक्षकों की लंबित मानदेय को शीघ्र भुगतान की मांग की गई। जितेंद्र गर्ग ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना सहित विकास खंड के शिक्षा अधिकारी आहन संवितरण अधिकारी एवं संकुल प्राचार्यों से मांग की है कि अतिथि शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। समूचे पन्ना जिले के अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भांति संपूर्ण समय पर वेतन दिया जाए। 5 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों का वेतन दिया जाए। किसी को 3 महीने का, किसी को 4 महीने का मानदेय नहीं मिला। अगर 5 दिन के अंदर अतिथि शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं होता है तो पूरे प्रदेश भर में अतिथि शिक्षक आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। इसकी शासन प्रशासन की इसकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को भी नियमित शिक्षकों की तरह 1 तारीख को मानदेय चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। धन्यवाद।